नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म गाथा के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हल हारणी अमावस्या के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या को हल हारणी अमावस्या कहते हैं। इसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस वर्ष शुक्रवार 9 जुलाई 2021 को हल हारणी अमावस्या मनाई जाएगी। ये सुबह 5:16 से प्रारंभ होगी, जो 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर समाप्त होगी। ये दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। हल हारणी अमावस्या के दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। किसान विधि विधान से हल पूजन करके ईश्वर से फसल हरी भरी बनी रहने की कामना करते हैं, ताकि घर में अन्न धन की कभी भी कमी महसूस ना हो। इसके साथ ही अमावस्या का दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। इसलिए पितरों के तर्पण हेतु हल हारणी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पितृ निवारण के लिए निम्न उपाय करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले, अमावस्या के दिन मुंह के प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। दूसरा उपाय है, अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे, तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक अमावस्या के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पित करें। ये उपाय आपके जिंदगी में खुशियों के रंग भर देगा। वृषभ राशि के जातक अमावस्या के दिन इत्र का प्रयोग जरूर करें। साथ ही कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने शासित कार्य क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक को अमावस्या के दिन माता या बहन को हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लें और जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान करें। कर्क राशि वाले जातक अमावस्या के दिन किसी गरीब और सहाय व्यक्ति को सफेद रंग के वस्त्रों का दान करें। ये उपाय आपको कामयाबी दिलाने में कारगर होगा। सिंह राशि के जातक अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और गरीबों में गेहूं का दान करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातक अमावस्या के दिन जानवरों को हरे रंग का चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तुला राशि। तुला राशि के जातक अमावस्या के दिन कन्याओं को खीर का दान करें। ये उपाय करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक को अमावस्या के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप भय मुक्त रहेंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक अमावस्या के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें और माथे पर पीले चंदन अथवा हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातक को अमावस्या के दिन गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अमावस्या के दिन काली उड़द की दाल दान और काले वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आ रही सभी तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। मीन राशि। मीन राशि के जातक अमावस्या के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।